विजिटर की काउंटिंग कैसे हो हेडिंग का लिखा, हाउ टू काउंट विजिटर्स, ये ध्यान रखना। ये सब चीजें आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा एट्रेक्टिव बना देती है, ठीक है। अगर आपको आपके वेबसाइट में विजिटर्स काउंट करवाने हैं तो विजिटर्स काउंट कराने का सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आप बिना कोडिंग के करना चाहते हो, कई लोग क्या होते हैं कोडिंग से भी कर लेते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कोडिंग से विजिटर काउंट करा सकते हैं, लेकिन आसान तरीका आपके पास क्या होता है विजिटर्स काउंट कराने का, आप स्टेट ओवर क्या करें, विजिटर्स काउंट करने की विजिटर काउंट को गूगल में लिख लिया। पहला पॉइंट आप लिख लो ओपन गूगल, क्या करें गूगल को ओपन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसको ओपन किया, गूगल को ओपन किया, और नंबर दूसरा देखेंगे सर्च काउंटिंग विजिटर्स, काउंटिंग विजिटर्स वेबसाइट, काउंटिंग विजिटर वेबसाइट को सर्च करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट फ्री में आपके लिए काउंटिंग कराने को तैयार है, समझ आप सर्च कर दो काउंटिंग विजिटर्स आपको मिल जाएगा, आप करके भी देख लो, आप गूगल में डालो काउंटिंग विजिटर्स वेबसाइट, ठीक है। मेहनत बचाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इसके लिए लंबे छोड़े कोडिंग मेथड्स भी मेरे पास है, फिर आप करते रहो सुबह से शाम तक कोडिंग, टाइम खत्म, और ठीक से काउंट नहीं कर पाया तो फिर उसको एडिट भी करो, ठीक है। इनमें आपको कोडिंग की झंझट से बच जाओगे। गूगल में टाइप करो काउंटिंग विजिटर्स, आया कुछ, देखो हिट काउंटर आया आपके सामने, हिट काउंटर एक आपको दिख जाएगा, उसके अलावा iadows.com में भी आपको दिख जाएगा, फ्री विजिटर्स काउंटर्स.com आपको दिख जाएगा। तो इसमें यह फ्री विजिटर काउंटर.com जो है इसको आप रखें, ये अच्छा काम करता है और पैसा कभी चार्ज नहीं करेगा, फ्री विजिटर काउंटर.com, फ्री विजिटर काउंटर.com आपको दिखता है, ये देखो खुल भी गया सर आ गए, और फ्री विजिटर काउंटर.com में देखो नीचे आपको दिखा रहा अलग अलग पैटर्न आपको दिखा रहा होगा, सब में लिखा है गेट इट गेट इट गेट इट, आपको कौन सा पैटर्न सही लगता है आप उसमें चुन सकते हो, कलर भी सेट कर सकते हो, देख रहे ना ग्रे ग्रीन पर्पल, ठीक है। जैसे मैंने पर्पल में क्लिक किया तो ये पर्पल हो जाएगा, पर्पल टाइप का ही हो जाएगा, आप करके देखो ग्रे में क्लिक करोगे तो ग्रे टाइप का हो जाएगा। फ्री विजिटर्स काउंटर्स.com में अब जैसे आप गेट इट में क्लिक करोगे, जैसे आप गैडेट में क्लिक करोगे तो गैडेट में क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपको एक पूरा URL दिख रहा है, ये देखो पाथ दिख रहा है, ठीक है पूरा पाथ दिख रहा है, इसको क्या कर दो कॉपी कर दो, पूरे पाथ को आप क्या करोगे कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे आप अपनी वेबसाइट में ले आओगे, और वेबसाइट में आप क्या करेंगे वेबसाइट में जाके इसको सीधा पेस्ट कर देगा, वेबसाइट में जाके क्या करोगे सीधे आप नहीं होगा, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। कॉपी करके आप वेबसाइट में क्या कर दोगे, ये बॉडी टैग के अंदर आप क्या कर दोगे पेस्ट कर दो, ठीक है बॉडी के अंदर आप पेस्ट कर दोगे तो पूरे विजिटर की वेबसाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे आगे लग गई। अब पर्सन जितनी बार आपके वेबसाइट में आएगा वो ऑटोमेटिकली ये विजिटर को क्या कर देगा एक से बढ़ा देगा, प्लस वन से विजिटर को क्या करेगा बढ़ाएगा, ठीक है। करके भी आप उसको देखिएगा, लेकिन इसको थोड़ा नेट ऑन रखिएगा, ये मैं बता दे उसको चला मेरा नेट थोड़ा ऑन रखेगा सर। ये देखिए और भी बहुत सारे वो पेज बहुत सारे हैं, इसके खमिया नहीं है। विजिटर काउंट के आजकल ये है कि विजिटर काउंट का कोई भी ऑप्शन उठाने सीधे स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको उठा के लिंक टाइप में भी आप लगा सकते हो सर। ये लोग तो फ्री SEO भी दे रहे हैं, किसको फ्री SEO भी दे रहे हैं आपको, देते हैं ना आपको, इसको पता होनी चाहिए। और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो आप आई फ्रेम में भी क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो आई फ्रेम SRC बराबर वो जो कोड आया था ना पूरे कोड डाल दो इसमें, पूरा कोड हाइट विड्थ बंद आई फ्रेम इसमें भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हो, तो काउंटिंग आपकी क्या होती है वेबसाइट पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और विजिटर्स काउंटिंग क्यों जरूरी है, हमें चेक भी तो करना है कि हमारे पास विजिटर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, भाई हमें किसी का नाम ना पता चलेगा, लेकिन हमें ये बताओ कि भैया कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है काउंटिंग, और पर डे कम से कम आपकी वेबसाइट में अगर 50-60 लोग भी पर डे नहीं आ पा रहे बड़ी दिक्कत की बात है, अगर आप पॉपुलर हो तो आपकी वेबसाइट में लोग दिखने चाहिए। पायरेटेड साइट को क्या सर, देखो साइट पायरेटेड एक्चुअली वो कंपनी पायरेटेड है, और पायरेटेड वो बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा वो,
वो तो वेबसाइट का ऐसे प्रोग्राम करके बनवाएगा, बस उसको डोमेन सारा करवा देगा, जब उसका पकड़ में आता है तो डोमेन सारा करा देगा वो ना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपको समझ में आया कैसे हिट काउंटर्स आप डालते हो? ठीक है।